हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग देखेंगे बॉयलर का जो यूट्यूब बेंड है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जो रिहीटर ट्यूब है या सुपर हीटर ट्यूब है जो यू शेप में रहता है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड उसका जो डेवलप्ड लेंथ है उसको कैसे निकालेंगे, एंड हीटिंग सर्फेस एरिया कैलकुलेशन करेंगे यूट्यूब बेंड का। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको काफी हेल्प करेगा बीओई के ड्रॉइंग पेपर में, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको बीओई के ड्रॉइंग पेपर में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे YouTube बेंड ड्रॉ करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि मैं बीओई के ड्राइंग पेपर के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपको काफी हेल्प होगा बीओई के ड्राइंग पेपर के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं, हाउ टू ड्रॉ यूट्यूब बेंड। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ना ट्यूब का जो ओडी है वो 50.8 mm दिया हुआ है, थिकनेस 5 mm, रेडियस 75 mm, एंड जो लेग लेंथ है वो 300 mm। तो आपका जो यू टाइप ट्यूब होता है वो ऐसा होता है, सो ये जो लेग लेंथ है वो इसको कहते हैं, ये 300 दिया हुआ है, और जो ओडी है 50.8 और थिकनेस 5 mm, ठीक है, और जो रेडियस है सेवेंटी फाइव। तो अभी इसको ड्रॉ भी करना है, और उसके बाद जो डेवलप लेंथ है मतलब ट्यूब का यहां से यहां तक का, जैसे ये यू शेप है तो इसको अगर ऐसे करेंगे सीधा कर देंगे तो ये जो पोर्शन है एक्सटेंडेड लेंथ लेग लेंथ, सो ये वाला पोर्शन हो गया, ये इधर का आपका ये वाला पोर्शन हो गया, और ये जो बेंड है वो ये, ठीक है। सो ये यहां से यहां तक ये टोटल जो लेंथ है इसी को डेवलप लेंथ बोलेंगे। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्यूब का तो वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद ये टोटल ट्यूब का हीटिंग सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पहले जो मैं 180 डिग्री का जो बेंड बनाया था तो वहां पर जैसे पॉजिटिव फॉलो किया था सेम ऐसे ही करके इसको बनाएंगे। तो जैसे आपका ये रेडियस है 75, ठीक है, तो यहां से यहां तक एक लाइन लेंगे और उसको 75 प्लस 75 तो 150 mm मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ओडी है 50.8, तो ये पॉइंट से इस साइड में 25.4 और इस साइड में 25.4 मार्क करेंगे, सेम इधर भी करेंगे। इसके बाद जो थिकनेस है ट्यूब का वो 5 mm दिया हुआ है, सो इधर से ये 5 mm, इधर से ये 5 mm, ठीक है, सेम इधर भी ऐसा ही करेंगे। तो मैंने अभी टोटल मार्क कर लिया, अभी यहां पर कंपास रख के जो रेडियस है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद जो ओडी है ये वाला भी सर्कल ड्रॉ कर लेते, सेम यहां पर ही कंपास रखने हैं आपको। ये सेंटर लाइन है इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। इसके बाद यहां से भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते, अभी जो थिकनेस है उसको भी हिडन लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो यूट्यूब है जो बेंड है तो उसका मैं ड्राइंग हो गया है, अभी उसके बाद जो लेग लेंथ है 300 mm तो उसको ड्रॉ करेंगे।
तो ये आपका यू टाइप का बॉयलर ट्यूब टोटल ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। यहां से ये पोर्शन 300 mm है और ये जो रेडियस है वो 75 mm है, थिकनेस 5 mm है और ओडी 50.8 है। ये मैं अभी टोटल मार्क कर देता हूं, उसके बाद डेवलप लेंथ एंड हीटिंग सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अभी यू टाइप बॉयलर ट्यूब का ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने डायमेंशन भी दे दिया है जो ड्राइंग में क्वेश्चन में आया था। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसका डेवलप लेंथ कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये बेंड है, ये हाफ सर्कल है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला है 2πr, ओके। और ये आपका हाफ सर्कल हो गया, तो इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहां पर कितना आया, 2 इंटू पाई का मान क्या है 3.14 इंटू रेडियस के दिया हुआ है 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 35.5 आएगा, ठीक है। सो ये हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस निकल गया। तो अभी उसके बाद जो यहां से ये वाला पोर्शन है और इधर से ये वाला पोर्शन, ये दोनों को ऐड कर देंगे। 235.5 प्लस 300 प्लस 300, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 835.5। सो ये आपका डेवलप लेंथ निकल गया, ठीक है। मतलब आपका यहां से ये वाला पूरा पोर्शन का जो टोटल डेवलप लेंथ है वो 835.5 mm में है, ओके। तो अभी चलिए हीटिंग सरफेस निकालते हैं ये ट्यूब का। तो हीटिंग सरफेस निकालने के लिए आपका हीटिंग सरफेस निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है पाई इंटू ट्यूब का जो ओडी है इंटू जो आपका डेवलप लेंथ है, ठीक है। ये जो पूरा डेवलप लेंथ है सो इसको इंटू करना पड़ेगा, तो डीएल डेवलप लेंथ। सो आपका पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू ओडी कितना था, 50.8। तो डेवलप लेंथ कितना है, 835.5। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 133.272.276। ये एमएम स्क्वायर है, ओके, मिलीमीटर स्क्वायर में है। सो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा तो इसका आएगा 133.272 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपका ये हीटिंग सरफेस ये ट्यूब का निकल गया। सो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर ये वन ट्यूब। अगर आपका मल्टीपल ट्यूब्स का निकालना है सो यहां पर इंटू नंबर ऑफ ट्यूब्स कर दीजिए। सो आपका जो हीटिंग सरफेस एरिया है टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स का वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था बीओई एग्जाम के ड्राइंग पेपर के रिलेटेड एंड ऑल्सो जो बॉयलर का जो ट्यूब है उसका डेवलप लेंथ निकालने के लिए और हीटिंग सरफेस एरिया कैलकुलेशन करने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियो पे कमेंट और लाइक कीजिए। और प्लीज जो जो आपको ड्राइंग
चाहिए जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करना है तो सभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।